हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकती है कहीं आपके वेगस अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रिसेंटली क्या हुआ है यहाँ पर भी, भारत ने फिर से यहाँ पर हार का मुंह चखा है चाइना के द्वारा। डिप्लोमेटिक तरीके से बहुत बुरी हार यहाँ पर भारत को झेलनी पड़ी है चाइना के द्वारा, और ये सब हुआ है हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री एस जयशंकर साहब की वजह से। देखिए पूरा मैं अगर आपको बताऊं रिसेंटली हुआ क्या है, यहाँ पर चल रहा था 18th समिट जो आरआईसी ग्रुप का। आरआईसी आप जानते होंगे कि रशिया इंडिया और चाइना का एक ग्रुप है, उसके सेम ही भारत का दूसरा ग्रुप भी है, जय ग्रुप, जापान अमेरिका और इंडिया। ये दो ट्राइलेटरल ग्रुप्स हैं इंडिया के, जो कि पहले काफी ज्यादा रेलिवेंट हुआ करते थे। अभी आरआईसी का इतना ज्यादा कुछ रेलिवेंस कुछ बचा नहीं है, मुझे समझ नहीं आता है कि इंडिया क्यों इसमें कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेट करता है, जबकि इंडिया और चाइना के जो हित हैं वो एक दूसरे से परस्पर कहीं भी मैच नहीं करते हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो इंडियन ओशियन हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, गल्फ कंट्रीज हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो, हर जगह चाइना और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। वो बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है, चाइना पाकिस्तान को किसी भी हद तक सपोर्ट करने के लिए तैयार है अगर वो भारत के ऊपर अटैक करता है तो। लेकिन फिर भी भारत इस समिट को क्यों अटेंड कर रहा है पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, जबकि इसके ऑपोजिट भारत को जय समिट जो है जापान अमेरिका और इंडिया वो समिट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, भारत उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो एस जयशंकर साहब की जो पॉलिसी है ये किसी को भी गले अभी नहीं उतर रही है। देखिए अभी क्या हुआ है, आरआईसी समिट के दौरान यहाँ पर जो डिक्लेरेशन निकल के आया है उसमें इंडिया ने ये बोला है कि इंडिया यहाँ पर सपोर्ट करता है बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक 2022 को इंडिया यहां पर सपोर्ट करेगा। यही बात यहां पर इंडिया ने तब बोली थी जब इंडिया ने, आपको पता होगा कि इस साल जो ब्रिक्स सम्मेलन था उसको होस्ट किया था इंडिया ने, ये सम्मेलन हुआ था डिजिटली वर्चुअली ये सम्मेलन हुआ था क्योंकि कोरोना की वजह से लीडर्स ने ट्रेवल नहीं किया था। इस सम्मेलन में भी इंडिया ने यहां पर ये बोला था कि भारत जो है यहां पर और ब्रिक्स कंट्री जो है वो चाइना के जो बीजिंग ओलंपिक्स हैं विंटर में होंगे 2022 में, भारत उनको यहां पर सपोर्ट करेगा। तो ये जो थी भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार थी, जबकि यहां पर भारत के जो मित्र मुल्क हैं जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सब यहां पर इसके डिप्लोमेटिक बायकॉट की बात कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक बायकॉट का मतलब होता है कि वहां पर केवल प्लेयर्स जाएंगे, कोई भी कंपनी का जो कोई भी उनका मिनिस्टर नहीं जाएगा, उनके कोई भी फॉरेन सेक्रेटरी या कोई भी उच्च स्तर का अधिकारी वहां पर नहीं जाएगा। तो इस तरह का डिप्लोमेटिक बायकॉट करने की यहां पर बात चल रही है। देखिए जब ये समिट हो रहा था तो भारत ने भी यहां पर अपने कुछ मुद्दे उठाए, उन्होंने यहां पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया और उन्होंने यहां पर लश्कर-ए-तैयबा का और जैश मोहम्मद का मुद्दा यहां पर उठाया, लेकिन चाइना ने क्या किया, यहां पर भारत को ब्लॉक कर दिया और जो फाइनल डिक्लेरेशन निकल के आया उस पर चाइना ने साइन नहीं किया, और ये जो दोनों मुद्दे थे इनको यहां पर फाइनल डिक्लेरेशन से हटाना पड़ा क्योंकि चाइना ने इसके ऊपर साइन करने से मना कर दिया था। लेकिन भारत ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि जो विंटर ओलंपिक्स होंगे हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर भारत ऐसा बोलता तो जो फाइनल डिक्लेरेशन निकल के आता उससे इस बात को हटाना पड़ता कि भारत यहां पर विंटर ओलंपिक्स 2022 बीजिंग को सपोर्ट करता है। तो भारत ने यहां पर मुंह की खाई है बहुत ही बुरे तरीके से, यहां पर भारत की डिप्लोमेटिक हार हुई है। लेकिन आप पूछेंगे कि अचानक से भारत लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद को यहां पर क्यों इंटरनेशनल लेवल पे यहां पर अग्रेसिव हो रहा है, इनको इनका मुद्दा फिर से क्यों उठा रहा है। देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद दोनों आतंकवादी संगठन जो है लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद बहुत हद तक एक्टिव यहां पर हो गए हैं और उन्होंने बहुत सारे नए कैंप्स यहां पर बनाए हैं, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा और अफगानिस्तान में भी बहुत सारे नए कैंप बनाए हैं। और अफगानिस्तान में आपको पता होगा इस टाइम पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, वहां का जो यूथ है जिसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, जो भूख से मर रहे हैं, उनको ये लोग यहाँ पर अपने आतंकवादी संगठनों में भर्ती कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देकर वो भेज रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, भारत की बॉर्डर के पास, और ये भारत के ऊपर अटैक करेंगे। देखिए चाइना को इससे यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा इसलिए हो जाता है कि वो भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, चाइना चाहता है कि पाकिस्तान उनको उलझा करके रखे और भारत का जो बहुत सारा पैसा है इंटेलिजेंस एजेंसी के जो ऑपरेशन है इनमें खर्च होता रहे, तो चाइना हमारे ऊपर थोप रहा है कोस्ट, चाइना हमारे ऊपर कोस्ट थोप रहा है। चाइना आपको पता होगा हाफिज सईद को बहुत बार इंटरनेशनली बचा चुका है, मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित उसने नहीं होने दिया था बहुत लंबे टाइम तक, यूनाइटेड नेशन के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट होते हैं उसमें मसूद अजहर का नाम चाइना ने यहां पर शामिल नहीं होने दिया था। लेकिन भारत जो है चाइना का पिछलग्गू बना हुआ है, विदेश जयशंकर की जो ये फॉरेन
पॉलिसी है कंप्लीट, यहाँ पर डिजास्टर साबित हो रही है भारत के लिए। भारत एक के बाद एक डिप्लोमेटिक हार का यहाँ पर मुंह चपता जा रहा है, आप बुरा नहीं मानना, लेकिन मेरा जो यहाँ पर मोटिव है सच बताना है, और चाइना हमारे ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर एग्रेसिव हो रहा है। रिसेंटली अभी यहाँ पर एक हमारे यहाँ कल 6 दिसंबर को एक मीटिंग होने विजिट होने वाली है व्लादिमीर पुतिन की, जो की बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट विजिट होगी। जब से कोरोना फैला है व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ही कम कंट्रीज को यहाँ पर विजिट किया है, वो बस एक बार यहाँ पर फिनलैंड गए थे, वहां पर उन्होंने जो बाइडेन से भी मुलाकात की थी। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट विजिट पे इंडिया आ रहे हैं, अपने डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के साथ में यहाँ पर 2+2 का वार्ता भी होगा। तो इसमें यहाँ पर भारत यहाँ फिर से यहाँ पर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का यहाँ पर जिक्र उठाएगा और यहाँ पर कोशिश करेगा कि ये दोनों जो संगठन है इंटरनेशनल लेवल पे इनको उठाए रखें, जिससे हमको फ्यूचर में इनको यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप में डलवाने में आसानी हो और हम इनके ऊपर बैन लगवाने में सफल हो, क्योंकि ये दोनों ही संगठन भारत के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। देखिए अभी मैं बता देना चाहूंगा कि भारत यहाँ पर तुष्टिकरण की नीति में पूरी तरह लगा हुआ है, चाइना के सामने बिल्कुल भी नहीं बोलता है। जबकि दूसरी अगर आप बात देखें, ये जो पार्ट में बोलने जा रहा हूं मेरी वीडियो का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। दूसरी तरफ अगर चाइना को देखें, देखिए चाइना हमारे साथ क्या करता है, चाइना भारत की संप्रभुता को सीधे सीधे यहां पर चुनौती देता है, चैलेंज देता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें से चाइना गुजार रहा है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो भारत की संप्रभुता को सीधा सीधा यहां पर चाइना मतलब एक तरह से यहां पर नकारता है कि भारत बुरी तरह से चैलेंज देता है, तो भारत उसके अगेंस्ट भी कुछ नहीं करता है। दूसरा चाइना यहाँ पर एक्साई चीन पे भारत का कब्जा करके बैठा हुआ है और यहाँ पर डोकलाम में भी आप जानते हैं और यहाँ गलवान वैली में हमारे सोल्जर्स को मारा, भारत तब भी यहाँ पर चुप रहा। इसके अलावा भारत यहाँ पर सिक्किम पर भी अपना दावा जताता है और यहाँ पर चाइना का एक प्लान रिवील हुआ है कि चाइना 2045 में यहाँ पर भारत पे अटैक करेगा और अरुणाचल को चाइना का एक पार्ट यहाँ पर बना लेगा। तो किस हद तक भारत की संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है ये सहन करने से परे है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जैसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो चाइना के दबाव में आकर उन्होंने आज तक अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए एक भी लोन नहीं दिया है, क्योंकि अगर वो ये लोन देते हैं तो इससे भारत का जो दावा है अरुणाचल के ऊपर और ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि अरुणाचल जो है भारत का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहूंगा कि म्यांमार में जो टेररिस्ट ग्रुप है जिनका नाम भी PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो म्यांमार में ऑपरेट करते हैं, चाइना उनको फंड करता है और म्यांमार की सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रेशर बना के रखता है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप है जो इंडिया के ऊपर अटैक करना चाहते हैं इनको आप कुछ नहीं करेंगे, इनको आप खुला छोड़ दीजिए, ये इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, उनके सोल्जर्स मारे जाएंगे और उनके बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर खर्च होते रहेंगे और भारत की जो अखंडता है उसको चुनौती मिलती रहेगी। तो इस तरह से चाइना हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब यहाँ पर जाकर के चाइना के सामने नतमस्तक होकर के बोलते हैं कि हम आपके जो विंटर ओलंपिक्स हैं इनको हम सपोर्ट करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर